आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। राजनीतिक जगत के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। मुलायम सिंह की मौत से राजनीतिक गलियारे में चारों तरफ गमगीन माहौल है। पूरे देश में इस समय शोक की लहर है, सभी की आंखें नम हैं और मन उदास। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। काफ़ी समय से बीमार होने के कारण वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह का इलाज जारी था। लंबे अरसे के बाद उनके स्वास्थ्य से लड़ते हुए वो विजय जीत नहीं पाए और आज उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। मुलायम सिंह के लिए हज़ारों लोगों ने दुआएं मांगी, हवन किए, यज्ञ किए, लेकिन मुलायम सिंह के लिए सब बेसर रहा। किसी की दुआएं मुलायम सिंह के काम नहीं आईं और आज मुलायम सिंह यादव सभी को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। मुलायम सिंह भले ही इस सब दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन जनता के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सैफई, जहां पर हमारे संवाददाता गौरव और हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद हैं। चला था उनकी किडनी में, उनके यूरिन इन्फेक्शन हो रखा था, कई समस्याएं उनको हो गई थी, जिस वजह से उनका इलाज जारी था। वेंटिलेटर पे गए, सीसीयू पे गए और फाइनल आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 8:16 पे मुलायम सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को विदा कह गए। सपा के संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव एक मजबूत नेता थे, एक कद्दावर नेता थे और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में सपा अर्श पर पहुंची। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत शोकाकुल हैं। देश प्रदेश में आज मुलायम सिंह को लेकर सब शोकाकुल हैं। हमारे साथ सैफई से सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता गौरव और विवांशु के साथ। विभांशु, सैफई में इस समय क्या माहौल है? वहां पर पूरे प्रदेश से आज कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद होंगे। मैं चाहते हैं वहां पे आप लोगों से बात करें और लोगों को जानने की कोशिश करें कि वहां पे क्या माहौल है इस समय। जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि इसी घर से मुलायम सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और बात की जाए तो पहलवानी का दौर था, तो यहीं से वो धोबिया पछार जो और साथ ही साथ चरखा दावला जी निकल कर वो रक्षा मंत्री बने। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने सहयोगी कहूंगा कि ठीक पीछे दिखाएं, उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है पीछे और आपको बताएं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने नेता को विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही मैं मनीष जी आपको बता दूं कि अभी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे जो नेताजी को श्रद्धांजलि दिए हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो कल के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अपने नेता को नम आंखों से बधाई देने आए हैं, उनके श्रद्धांजलि देने आए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम शिल्पी मैम यहाँ आई है जो सपा की प्रवक्ता है। मैम, आज नेताजी का देहांत हुआ है और कहा जा रहा है समाजवादी युग का अंत है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है और हमारे परिवार के संरक्षक को हमने खोया है। समाजवादी युग का अंत हो सकता, जितना मेरा युग का अंत तो नहीं हो सकता जितना मेरा मानना है, क्योंकि आप भीड़ देख रहे हैं मेदांता से लेके आज सैफई में, जो आलम है ये हर एक नेताजी की शिक्षा का, उस समाजवाद का ध्वजावाहक है। तो समाजवाद का युग नहीं अंत हो सकता और नेताजी की स्मृति तो आप देखिए कि हर एक कार्यकर्ता कितने प्यार से उनके लिए यहाँ पर जुटा है। हम लोग हर तीज त्यौहार पर वो पार्टी कार्यालय हमारे बीच में आते थे और महिलाओं को बड़ा विशेष सम्मान देते थे और अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा कहते थे कि महिलाएं अगर पीछे हैं तो उनको आगे लाइए, उनको आपको राजनीति में भी आगे लाना है, उनको आपको स्पेस देना है। तो नेताजी बहुत आगे की सोच रखते थे। जिस तरीके से उन्होंने सैनिकों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, चुंगी की जो व्यवस्था उन्होंने ख़त्म करी, गन्ना किसानों के लिए काम किया,
रक्षा मंत्री होते हुए जो हमारे शहीदों के शव वापस लाने का एक जो इतना बड़ा काम था, मुझे लगता है कि दुनिया के कोने कोने तक नेताजी का नाम है और समाजवाद नहीं खत्म हो सकता जब तक मुलायम सिंह। अच्छा मैम, कहा जाता है कि नेताजी हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे और वो कार्यकर्ताओं को मंत्री पद बड़े बड़े पदों पर भेजे हैं, तमाम ऐसे किस्से आपके साथ भी जुड़े होंगे, कुछ साझा करें हमें। देखिए हमारे समाजवादी पार्टी का की जो पहचान है वो संघर्ष है, पूरा समाजवाद ही कहते हैं कि जो संघर्षवादी है वो समाजवादी है। और हमारे यहाँ महिला नेताओं में आप देखें कि श्रीमती लीलावती कुशवाहा हैं जिन्होंने धरने प्रदर्शनों में कई बार अपना सर फोड़वाया, कंधे तोड़वाए और उसके बाद माननीय नेताजी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और MLC का पद उनको इसीलिए दिया था कि वो महिला होकर भी उन्होंने समाजवाद की पूरी परिभाषा हमेशा खरी वो उतरी हैं। सड़क पर, सदन में, हर जगह लीलावती कुशवाहा जी हों, चाहे आपकी सुशीला सरोज जी हों, हमारी सांसद हैं, तो हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, आलम बद्दी साहब की बात देख लीजिए कि आलम बद्दी साहब के लिए लोग कहते थे कि नेताजी उनको बुला के टिकट देते थे और आलम बद्दी साहब ने अभी पिछले चुनाव में ये कहा कि मेरा स्वास्थ्य अब मुझे इजाज़त नहीं देता, मुझे माफ़ करिए, लेकिन नेताजी नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, आलम बद्दी साहब को तो चुनाव लड़ना पड़ेगा और आलम बद्दी साहब फिर से लड़े, जीते। तो एक एक व्यक्ति को पहचानना, और यहाँ तक कि इस बार जब सदन का बहिष्कार समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया था तो आलम बद्दी साहब हम लोगों के साथ चल रहे थे, सड़क पर चल रहे थे, बीच में उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, बीच में हार के बाद जब हमने अस्थायी नाम बताएं और कहां से आए हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि नेताजी, कहा जाता है कि एक शिक्षक के तौर पर वो शुरुआत किए, साथ ही साथ पहलवान थे और कार्यकर्ताओं को वो एक छात्र की नजर से देखते थे, इसको लेके आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं के प्रति नेताजी का जो जोश था, कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने जोश जगाया, आप देखिए तमाम दलगत राजनीति, आप देखिए तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर वर्ग, हर जाति, हर पार्टी का व्यक्ति आज दुखी है। ये नेताजी की क्वालिटी थी, इसीलिए नेताजी धरती पुत्र कहे गए। उन्होंने बहुत समय से संघर्ष किया और सभी लोगों के लिए, पहली बार यहाँ इटावा के ही लोगों को देखते थे, नगर पालिकाओं की चुंगियों के, नगर पालिका के कर्मचारी जिस तरह से शोषण व्यापारियों करते थे, पहली शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, व्यापारी के हितों में उन्होंने काम किया, किसान के हितों में उन्होंने काम किया, नौजवान के हितों में उन्होंने काम किया, इसलिए आज नेताजी सर्व समाज में, सभी लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। जी बिल्कुल। अच्छा आप अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं? अच्छा आप अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं? मेरा नाम अनस रशीद है, मैं लखीमपुर खीरी जिले से आया हूं। अच्छा लखीमपुर से है। जैसा मनीष आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश के हर एक कोनों, चाहे जो पड़ोसी राज्य है वहां से भी लोग अभी यहां पहुंच चुके हैं। अच्छा अनस भाई, हमें ये बताएं कि नेताजी के कई सारे किस्से हैं जो लोग आज याद कर रहे हैं और सदियों तक याद करेंगे, कुछ किस्से हमें बताएं। कहा जाता है कि नेताजी एक शिक्षक थे, साथ ही साथ उन्हें चरखा दाव, उन्हें राजनीति आखिरी के अलावा राजनीति में भी चलाते थे, आप हमें कुछ बताएं। नेताजी के किस्से तो बहुत लोग बताएंगे, मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब ना देके दूसरी बात बताता हूँ। आज मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि लिखा जा रहा है, तमाम लोग लिख रहे हैं, हर आदमी लिख रहा है कि एक युग का अंत हो गया। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अपने और गैर जितने भी हैं, सबको ये कहना चाहता हूँ कि किसी युग का अंत नहीं हुआ है। नेताजी ने एक युग की शुरुआत करी है और उनका बेटा माननीय अखिलेश यादव जी देखिएगा इस युग को कितने आगे लेकर जाएंगे, किसी युग की अंत नहीं हुआ है। नेताजी ने अगर शरीर छोड़ा है तो विचारधारा भी छोड़ी है, आज किसी युग का अंत नहीं हुआ है,
बस नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, फिजिकली वो हम उनको कभी नहीं देख पाएंगे, ये हम लोगों के लिए कभी उनकी फिजिकली उनकी दुआएं हमको नहीं मिल पाएंगी, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। बाकी नेताजी ने आज आप समाजवादी पार्टी से लगा के और पूरे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जो उनको इज्जत मिल रही है वो किसी और वजह से थोड़ी है, वो उनके काम ही तो हैं, देखा जाए कैरेक्टर ही तो है जिसकी वजह से उनको आज ये इज्जत मिल रही है। जी बिल्कुल, कहा देखा जाए तो पक्ष हो या विपक्ष, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सबकी आंखें नम है। इज्जत और जो मुकाम हासिल किया है वो अपने कैरेक्टर पे, अपने किरदार पे हासिल किया है, अपने काम पे हासिल किया है। नेताजी ने जो राजनीति का सही मतलब है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो ऐसे वर्ग हैं जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए थे उन लोगों के लिए करके ये इज्जत कमाई है। नेताजी किसी की सरपरस्ती से नेता नहीं बने हैं, नेताजी अपने साइकिल के कैरियर पे बैठ के नेताजी नेताजी बने हैं। ये युग का अंत कभी नहीं होगा, ये बात मैं आपसे माध्यम से सबको बार बार कहना चाहता हूँ, कोई ना लिखे कि एक युग का अंत हो गया, नेताजी ने युग की शुरुआत करी है और अखिलेश यादव जी इस युग को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अखिलेश यादव जी और उनका पूरा परिवार सब मिल के बहुत आगे ले जाएगा, कभी इस युग का कभी अंत नहीं होगा। जी आप हमें ये बताएं कि आप लखीमपुर से यहाँ आए हैं जी। अगर देखा जाए पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, ऐसे कई सारे किस्से हैं, जैसे कहा जाता है कि जब वो देश के रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे तो फिलहाल पहले उनकी टोपी शहीदों की टोपी और बेल्ट जाती थी और नेताजी के अथक प्रयासों के बाद शहीदों की जो डेड बॉडी होती है, जो उनकी शहीदों की जो पार्थिव शरीर होती है वो घर तक जाने लगी। जी जी जी, इसको लेके जी, जो उनके अंदर संवेदनशीलता थी इसका रिफ्लेक्शन है क्लियर। पहले इससे पहले भी सरकारें रही, इससे पहले भी रक्षा मंत्री रहे होंगे, इनके अंदर जो सेंसिटिविटी थी, जो इंसानियत का तकाजा था, ये इन्होंने उस लोगों के उन परिवारों के दर्द को महसूस किया है कि अगर किसी का बेटा बॉर्डर पे शहीद हुआ है और उसकी टोपी बेल्ट आ रही है तो उसके दिल पे क्या दिखेगी। ये इंसानियत का तकाजा कि उन्होंने ये फैसला आते साथ ही लिया कि बॉडी घर पहुंचाई जाए, इन्होंने उनको बड़ा बताया। तो शुक्रिया, आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए? अखिलेश यादव, मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, मगर मुझे होम डिस्ट्रिक्ट हमारी ये पड़ती मैनपुरी। अच्छा, हमें ये बताएं कि नेताजी यहीं से निकलकर और रक्षा मंत्री चाहे बाकी प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए, कुछ ऐसे किस्से बताएं कि आस पड़ोस में कैसा उनका व्यवहार था। ऐसा है, उनके जैसा ना कोई हो सका व्यवहार था, उनके जैसा ना कोई हो सका है ना कभी होगा जिंदगी में। जो भी है वो आप सामने देख रहे हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस अब हम उनसे बस मिलने आए थे और उनके लिए जो भी कुछ है, मुझे बहुत ही इस चीज़ का मतलब बहुत ही दुखद है कि हमारे आँख से यही मान लीजिए आंसू ठहर नहीं रहे हैं, मगर फिर भी हम उनके लिए बस इतना चाह रहे हैं, आप सभी लोग उनके लिए जो भी है 3-4 दिन के लिए हमारी तरफ से शोक जो भी कुछ करना है वो करिए। हम भी एक जुडिशली कोर्ट के चरी से हैं, मैं एक सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। जी बिल्कुल, वो भी हमको जानते हैं। जी बिल्कुल जरूर, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि यहाँ कितनी संख्या में लोग कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक युग का अंत नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत है। नेताजी के जाने से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो आज गमगीन महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका साफ तौर से ये कहना है कि इससे एक युग की शुरुआत होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठीक सामने, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि ठीक सामने नेताजी का पार्थिव शरीर रखा है और रात के अगर बात करें तो 10 बजने ही वाले हैं, मगर यहाँ आप भीड़ की जो संख्या है वो देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं अपने नेता को बधाई नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ 3 बजे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, साथ में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सतन देव सिंह आए थे, साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी वो भी आए थे। और कल सुबह यहां नेताओं का तादाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर देखें तो यहां से ठीक 500 मीटर दूर मेला मैदान में नेताजी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा,
साथ ही अगर बात करें तो इस उनके श्रद्धांजलि सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह भी चौधरी यहां मौजूद रहेंगे। साथ ही अगर देखें तो जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहाँ आएंगे। और जो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय राजनीति का एक अनोखा तुरुप का इक्का की बधाई देने यहाँ आएंगे। जी मनीष जी। जी विवांशु, मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे इस समय जो है आसपास के राज्यों से भी लोग आए हैं, आसपास के जिलों से भी लोग आए हैं और आसपास के गांव से भी लोग वहाँ पे बड़ी मात्रा में एकत्रित हैं मुलायम सिंह जी को से उनसे उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे बड़ी संख्या में भी लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप और लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश करिए उनके परिवार का इस समय क्या स्थिति है। पारिवारिक लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो वहाँ पर कौन कौन पारिवारिक लोग मौजूद हैं वहाँ पर इस समय, थोड़ा सा चाहते हैं आप जानकारी लीजिए। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी कहूंगा सबसे पहले वो दिखाएं कि जहां नेताजी का पार्थिव शरीर रखा है, जहां हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और उन्हें उन्हें उनकी पार्थिव शरीर पर उनकी शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश समेत बिहार, साथ ही हरियाणा, तमाम राज्यों से लोग यहाँ अभी आ चुके हैं। और बात की जाए तो सबकी आंखें नम है और अपने नेता को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दराज से कार्यकर्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुलायम सिंह जी कार्यकर्ता में बड़े प्रचलित थे, साथ ही वो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कुछ किस्से नेताजी से जुड़े। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं। हम ब्यास यादव, देवरिया जिला, बिहार के बॉर्डर से आए हैं। और देवरिया देखा जाए तो मुलायम सिंह के द्वारा देवरिया को तोड़कर सीमा अब कुशीनगर जिला बनाया गया था, विकास में रफ्तार है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए देवरिया अब कुशीनगर काफी विकसित हो गया, उसमें मुलायम सिंह का नाम। नेताजी का माननीय नेताजी की देन है कि इन्होंने ये मुख्यमंत्री थे तो कुशीनगर को जिला बनाए और जो भी विकास हुआ है माननीय हम लोगों के नेताजी की वजह से देवरिया में विकास हुआ। और आज इन्हीं के नाम से हम लोग राजनीति में आए, आज से 78 में। और जब ये छोटा बस लेके क्रांति रथ लेके गए थे, उसी क्रांति रथ के भाषण सुन करके हम लोग ज्वाइन किए सपा और आज हम लोग अनाथ हो गए हैं। और हम लोगों के महबूब नेता जिनके नाम से क्रांति थी, हम लोग राजनीति की शुरुआत किए और आज वो अस्त हो गया दीप। आज हम लोग वहाँ से पूरे जनपद में शोक का लहर दौड़ पाया है। जी बिल्कुल, तो आप मनीष साफ तौर से देख पाए हैं कि कार्यकर्ताओं की आंखें नम है, अब वो अपने नेता को याद कर रहे हैं। साथ ही अभी आपने जिक्र में सुना कि नेताजी तमाम कार्यकर्ताओं को उच्च स्तर पर पहुंचाए, साथ ही अगर बात की जो कार्यकर्ता से मंत्री और तमाम पदों पर बिठाए, यहाँ तमाम लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें नाम बताएं और कहाँ से आए हैं। मैं राजेश कुमार वर्मा, मेरे पिताजी माननीय नेताजी के साथ सर 1980 से जुड़े थे और उनके मेरे पिताजी के नाम रहने के बाद मैं राजनीति में आया हूँ और माननीय नेताजी को 1981 से जानता हूँ, मैं छोटा था तब से। अच्छा, और ये बताएं, कहा जाता है कि नेताजी जब अपने राजनीति की शुरुआत किए 1967 में तो वो साइकिल से राजनीति की शुरुआत की और आस पड़ोस के इलाकों में वो सुविधा होने से पहले वो जाकर अब लोगों से मिलाते थे और उसके बाद वो जो तमाम उनके शिक्षक थे उसके बाद वो स्कूल और तमाम चीज़ों को देखते थे, इसको लेके क्या कहेंगे, और लोगों के लिए हमेशा वो लड़ते रहते थे। माननीय नेताजी जगजन नेता थे और शोषित, गरीब, वंचित जो भी लोग समाज के थे उनको ऊपर उठाने का काम किया उन्होंने और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। शुरुआत में जब 1989 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने 101 इंटर कॉलेज की स्थापना करने का काम किया था और इसी तरीके से तमाम पुल पुलिया का निर्माण करवाया और जो बेचारे गरीब थे उन गरीबों के लिए बहुत काम किया नेताजी ने। और आज हम लोग यहाँ आए हैं तो उनके ना रहने पर हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं और अब आगे माननीय हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करेंगे और माननीय नेताजी के दिखाए रास्ते पर हम लोग चलेंगे, उनके सिद्धांतों पर चलेंगे। और हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं तो समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल मनीष, आप साफ तौर से देख पा रहे हैं कि ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं देखें तो नेताजी के तमाम जो किस्से हैं उसको याद करके इनकी आंखें नम है। यहाँ एक बुजुर्ग नेता है, इनसे भी बात करेंगे। आप सबसे पहले हमें नाम बताएं और कहाँ से आए हैं। शाहजहांपुर। आप आस पड़ोस के जिले से हैं, हमें ये बताएं, विधानसभा से हैं, अब हमें कुछ ऐसे किस्से बताएं जो आज देखें तो भारत के जो हमारे दर्शक हैं और तमाम लोग हैं उनको ना पता हो नेताजी के बारे में। नेता के बारे में सभी जानते हैं,
हम लोक दल माँ के जिला अध्यक्ष रहे, जब नेताजी थे प्रांतीय अध्यक्ष और बहुगुणा जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हम थे जिला अध्यक्ष लोक दल माँ के। तो और हम लोगों से बात करेंगे, और उससे पहले हम मनीष जी आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कैमरे में आपको जम करके दिखाएं कि ये नेताजी का दूसरा आवास है, जो कि अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन में लोग पंक्तिबद्ध तरीके से सैकड़ों की संख्या में लाइन लगाकर और एक एक करके और नेताजी के जो पार्थिव शरीर है उस पर फूल अर्पित करके अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साफ तौर से इनके आँखें को अगर बात करें तो इनकी आँखें नम है, और कहीं ना कहीं देखें तो आज देश के लिए एक क्षति का दिन है, क्योंकि नेताजी अपने देश के रक्षा मंत्री के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके द्वारा तमाम कार्य किए गए हैं, यहाँ तमाम युवा नेता भी हैं, और तमाम अगर आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से यहाँ लोग आए हैं और अपने नेता को कहीं ना कहीं देखें तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने सहयोगी दीपक से कहूँगा कि वो एक बार आपको दिखाएं कि ये ठीक सामने नेताजी का पार्थिव शरीर रखा है, और लोग एक एक करके अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखें तो कल का जो कल नेताजी की पार्थिव शरीर 3 बजे यहीं से 500 मीटर दूर पर मेला मैदान में पंचतत्व में विलीन होगा, जिस कहीं ना कहीं इसमें देश के बड़े नेता और साथ ही साथ तमाम ऐसे गणमान्य सम्मिलित होंगे, और नेताजी मुलायम सिंह की आखिरी विदाई में सम्मिलित होकर इसमें भागीदार होंगे। जी मनीष जी, जी वांशु, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता और वहाँ पे मुलायम सिंह से जो हृदय से प्रेम करते हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे उनके अंतिम दर्शनों के लिए मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया, जिसके अंतिम दर्शन वो जाके वहाँ पे कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा और लोगों से भी आप चर्चा करिए और उनके कुछ किस्सों को भी जानने की कोशिश करिए कि मुलायम सिंह से संबंधित वो कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे पुरानी चीज़ों को बता पाएँ जिससे थोड़ा सा माहौल और अच्छा थोड़ा सा हो, उनकी यादें साझा कर सकें अपने। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां उनका पार्थिव शरीर रखा उसके ठीक सामने हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई हैं, और कुर्सियों पर दूर दराज से लोग जो उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा बिहार और तमाम जगहों से लोग आए हैं, और वो साफ तौर से अपने नेता को विदाई देने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पूरे ये परिवेश जो है, पूरा ये सामने जो आपको प्रांगण दिख रहा है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है, और हम यहाँ तमाम नेता हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि नेताजी, सबसे पहले यहाँ तमाम लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि नेताजी के अनसुने किस्से। साथ ही अगर बात की जाए तो आप साफ तौर से देख सकते हैं प्रदेश और देश के लिए आज बेहद एक क्षति का दिन है, क्योंकि जो अगर जो देश के रक्षा मंत्री के तौर पे साथ ही साथ 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर चुका है, और साथ ही एक देश में अलग पहचान, और कहीं ना कहीं देखे तो मजदूर किसान तमाम बेहतर काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आज कहीं ना कहीं एक अपनी अपना छाप छोड़ के गए हैं। जी जी विवांशु, ये नेताजी का प्रभाव ही है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और नेताजी के अंतिम दर्शनों की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनका बराबर इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रात भर ये लोग वहाँ बैठे रहेंगे और नेताजी से इतना प्रेम जो दिख रहा है यहाँ पर, जाहिर सी बात है धरती पुत्र ने ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जी बिल्कुल मनीष जी, मैं यहाँ तमाम लोग हैं उनसे बात करूंगा और नेताजी के कुछ किस्से को जानूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आएं। मैं अब्दुल्ला राणा, मेरा नाम है, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता। अच्छा, मुजफ्फरनगर से। हमें ये बताएं कि कहीं ना कहीं आज देश के लिए बेहद क्षति का दिन है, क्योंकि कहीं देखा जाए तो धरती पुत्र मुलायम जी का आज निधन हो गया है और आज सभी की आँखें नम है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अकलियतों की, मजलूमों की, गरीबों की, नौजवानों की आवाज दुनिया से चली गई है, बहुत क्षतिपूर्ण है, इसको शब्दों से तो बयान नहीं किया जा सकता। जो नेताजी का संघर्ष, जो नेताजी के कर्म और जो नेताजी का काम करने का तरीका था, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता पैदा हुआ होगा जो मुलायम सिंह यादव जी की जगह ले सके। अच्छा, कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी अपनी राजनीतिक पारी की जब शुरुआत की 1967 में, तो साइकिल से राजनीति शुरू की है और हर दिन सूर्योदय से पहले वो कई गाँवों को घूम के चले आते थे। आप कहाँ से हैं और कुछ से बताएं। मैं नरेश विश्वकर्मा मुजफ्फरनगर से हूँ, और नेताजी के बारे में जहाँ तक सुना है, और नेताजी ने हम जैसे छोटे से परिवार के लोगों को पार्टी का कार्यकर्ता बनाकर इतना सम्मान देने का जो काम किया है, गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, वंचित समाज के लोग, जिन्हें बोलने की आवाज़ देने का काम नेताजी ने किया है, तो नेताजी के ये किस्से सही हैं। नेताजी अपने कार्यकर्ता को दूर से ही देख के आवाज़ लगा लेते थे और उससे पूछते थे समस्याएं क्या हैं,
नेताजी ने कभी ये नहीं देखा कि ये किस समाज से है, किस जाति से है, किस धर्म से है। वो हर समाज के, हर धर्म के और हर वर्ग के नेता थे। तो उनके जाने से जो क्षति समाज को और प्रदेश को हुई है वो पूर्ति तो नहीं हो सकती, परंतु हम सब लोग यही दुआ करते हैं कि नेताजी को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और हम जैसे सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, गरीब मजदूर छोटे बड़े परिवार सभी लोगों के हैं, सबको एक शक्ति दें और उनके विचारों को आगे लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो चल रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा शक्ति दें। आप अपना नाम बताओ, कहाँ से हैं? जी मैं हरिओम दुबे हूँ, जनपद मैनपुरी से हूँ जी। अच्छा, कहा जाता है कि नेताजी एक छोटे कार्यकर्ता हो या बड़ा पदाधिकारी हो, सबको नाम से जानते थे और वो भीड़ से बुलाकर पुचकारते थे, दुलारते थे। वो बहुत जमीनी व्यक्ति रहे हैं, उनके बारे में तो जितना भी कहा जाए वो कमी ही है। कितनी भी भीड़ हो, अपना अगर 30 साल पहले भी मिलते रहे किसी व्यक्ति से तो एकदम आवाज़ दे के बुलाते थे और कभी उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या ये चीज़ें नहीं आई, कभी घमंड नाम की चीज़ नहीं दिखती थी। मुख्यमंत्री हों या किसी भी पद पर आसीन रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों, कभी भी कोई गरीब या किसी भी तबके का व्यक्ति उन्हें दिख गया है और अगर उसने आवाज़ लगाई है तो गाड़ी रोक ली। लोग उन्हें इतना मानते थे, कभी अगर देख लिया मुलाकात नहीं हो पा रही तो गाड़ी के सामने आके पुराने लोग मिलते थे, कभी बैठ गए लेट गए कभी नाराज़ नहीं हुए, उतर के आके पुचकारा है, बोले बेटा बताओ क्या है, जो भी समस्या हुई हो पूरा हल किया है। तो ऐसे जमीनी राजनेता को आज के टाइम में बहुत कम रह गए हैं, मेरा मानना है। बहुत ऐसी क्षति हुई है, ऐसे व्यक्ति राजनीति में मिलने दुर्लभ हैं आज के समय में जी। बिल्कुल, तो साफ तौर से आप मनीष देख रहे हैं कि पक्ष हो या विपक्ष, सबकी आंखें नम है और सभी नम आंखों से नेताजी को विदाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेताजी को किस्सों को ये बेहतर ढंग से जानते होंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? सर, नाम सिंह यादव, हरदोई से। हरदोई से, अच्छा हमें ये बताएं कि आप अगर देखें तो नेताजी के संघर्ष के दिनों से आप उन्हें देख रहे होंगे, कुछ हमें ऐसे किस्से बताएं। 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, क्या उनका पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें तो उनकी कैसी कैसा काम था और कैसे वो अपना नाम इतना बेहतर बना? बहुत बढ़िया काम उनको हो, तो गरीबन के यहाँ जो है ना ऊंचाई तक ले गए, इतना बढ़िया नेता अपनाई जो है यूपी के अंदर ही। नेताजी का जो है नाम ही जो है अमर रहेगा। जनता दल दल अपाहिज आदमी है, जनता दल दल ये साथ रहे, इन्होंने आंदोलन भी जीता। काबिला तरखा तहसील। अच्छा हमें अपना नाम बताएं। हमारा नाम साथ जिलेदार है और मंत्री जी के बहुत करीबी रहे, हम लोग जो है साथ रहे, क्रांति रथ से पहली बार जो है साथ रहे इनके और बहुत हमारा संबंध भारी रहो। नेताजी ने जितना काम किया है वो जनता के किसान के हद में किया है काम, किसानों को कभी धोखा नहीं दिया है जनता नेताजी ने। आज जो भी वादे किए, जो वादे किए हैं वो नेताजी ने पूरे किए हैं साहब। आज इतना बड़ा दुख है कि नेताजी का दुख सहा नहीं जाता है। विकलांग लोग हम सब लोग जो है ताखा ब्लॉक के संथर्स है। आज मिट्टी जो थी जो किसी ने नहीं कर पाई थी, कांग्रेस वालों ने नहीं कर पाई थी, वो आज जो है मिट्टी पुलिस वालों मिलिट्री वालों की मिट्टी नेताजी घर घर पहुंचाई जाती है। कि कहा जाता था कि जब नेताजी एक शिक्षक के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे, एक मास्टर के तौर पर से निकल कर और साथ ही वो कुश्ती के एक अव्वल खिलाड़ी थे और साथ ही राजनीति में भी उन्होंने जो चरखा दाव लगाया उससे सब पस्त हो गए, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नेताजी जो है मास्टर थे और इन्हीं जो है शिक्षक थे और नेताजी ने शिक्षक से जो है आज किसानों को और जनता को सब युवाओं को लेके चले। आज नेताजी, नेताजी ने जो वादे किए वो पूरे करे। अच्छा, आपके एक कहावत है कि नेताजी जब क्रांति व्रत लेके निकले थे तो वो कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर खाना खाते थे और उनसे समस्या और तमाम विषयों पर बात करते थे। आप भी बता रहे हैं कि हम क्रांति व्रत का हिस्सा रहे हैं, तो कुछ आप हमें बताएं कि क्रांति व्रत कहाँ से क्या निकली और उसका क्या उद्देश्य था? हम लोग जब निकले थे तो हम किसानों के जब मसीहा थे तो उन्होंने किसानों के हद में काम किया। इसके बाद में जब हम लोग आए तो उन्होंने क्रांति रथ निकाला, तो क्रांति रथ से हम लोग जो है उनके साथ जुड़े और साथ जुड़े हैं। फिर हम लोगों ने जेल आलोदन मतलब आंदोलन किया है, उसमें भी साथ रहे, उसमें साथ रहे। हमने
फतेहगढ़ की जेल, नैनीताल की जेल, हम लोगों ने जेल काटी है साहब। सर्टिफिकेट है हम लोगों के पास और नेताजी के हक में हम लोगों ने उठाए नहीं रखी है। किसान लोग जो है एक साथ रहे, किसानों के साथ माफ करे। पहली तो उन्होंने किसान की बत जो है पानी माफ किया है, परिवहन पानी जो है किसान, हम परिवहन जो है जमीन को जो है पानी लगाते थे किसान, तो किसानों की जमीन लीलाम नहीं होती है। जमीन आज दिन तक जो है, जिस दिन तक मंत्री जी ने ये कहा, मुलायम सिंह जी ने, कि आज जो है माफ किया जाए, तो किसानों के हक में उन्होंने जो है पहली सर पर जमीन को ये कह दिया किसानों से कि जाओ तुम्हारी जमीन कभी कितना भी कर्ज हो जाए जमीन लीलाम नहीं कर सकते कोई। तो आज जो है आज हम लोग जो है मंत्री जी के नाम से हैं। इनके बाद में मंत्री जी ने इन्हीं कर्ज माफ किया किसानों का, वो भी किसानों के बेटा जो है आज धरती पुत्र जो कहते थे, जो वहां डाल दे जाते थे जंगल में, मर गए लड़ाई में मर जाते थे तो घर पे मिट्टी नहीं आती थी अकेले, आज मंत्री जी ने जो है घर घर मिट्टी पहुंचाई। अगर जहां बेटा जिनका हुआ मंत्री जी ने पहुंचाया। अच्छा, नेताजी को देखा जाए तो देश में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद मुलायम सिंह जी को नेताजी का उपाधि मिला जी, बिल्कुल। उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं तो सर यही कहूँगा कि जो नेताजी हैं, नेताजी के मुकाबले में हमें कुछ नज़र नहीं आता, बस नेता ही नज़र आते हैं इस देश में, कहीं भी नज़र नहीं आते, बिल्कुल बहुत बहुत दूर तक घुमा है। सुभाष चंद्र जो नेताजी थे, उनके बाद जो संपत्ति हमारे जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो हमारे दद्दा थे, उनके अलावा कोई नज़र नहीं आता हमें, और आज भी हम बहुत बहुत दुखद हैं आज, जो आपसे कहा नहीं जाता सर, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सर मैं तो यही कहूँगा, भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, शांति प्रदान करे, बस बहुत कुछ किया हमारे लिए। क्या फौज में कपड़े आते थे, लेकिन इन्हीं की देन है जो आज जब रक्षा मंत्री हुए थे, बने थे, तो इन्होंने कपड़े वगैरह जो भी है पूरी डेड बॉडी घर पे आने लगी, बहुत खुशियां आने लगी घर वालों को, और सबने बोल दिया कि जाओ आराम से, आप अपनी जॉब करो, नौकरी करो, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। जबकि घर वाले, एक टाइम वो था कि घर वाले जाने नहीं देते मिलिट्री फौज में, कहीं भी वो जाने नहीं देते थे, लेकिन आज वो कंडीशन थी कि उन्होंने बोला और नेताजी ने ऐसा काम किया कि सब जाने के लिए तैयार है। हम जैसे नौजवान आधी रात जाने के लिए तैयार थे, हम लड़ने के लिए हम तैयार हैं, वही था सर। मैं तो बस यही कहूँगा कि सर हमारी बस नेताजी की देन है, किसी की नहीं, बस यही नेताजी की देन थी कि नेताजी ने बहुत अच्छे सारे बहुत अच्छे काम किए थे और बहुत संघर्ष किया है, बस सर मैं तो यही कहूँगा। तो साफ तौर से आप मनीष जी यहाँ देख रहे थे कि कार्यकर्ता और जो तमाम यहाँ लोग हैं जो नेताजी के चाहने वाले हैं, वो गम आँखों से, नम आँखों से अपने नेता को आखिरी विदाई दे रहे हैं। और देखा जाए तो धीरे धीरे जो संख्या है वो रात होते ही कहीं ना कहीं देखे तो ये ऐसा लगता है कि पूरी रात नेताजी की दर्शन करने के लिए यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बात करें तो पूरे सैफई और मैनपुरी में हजारों की संख्याओं में गाड़ियाँ लगी हैं। और इनका साफ तौर से देखें तो जो लाइन लगी है उनके, उसमें तमाम लोग फूल और गुलदस्ता लेकर अब अपने नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये सभी कार्यकर्ता नेताजी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। जी मनीष जी, जी विमांशु यादव, सुनने में आ रहा नेताजी अमर रहे के नारे के साथ में लोगों का प्रेम दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि सैफई, आजमगढ़ और ये मैनपुरी, इटावा, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ से नेताजी को भूतपूर्व प्रेम मिला है, बहुत प्रेम मिला है, और बड़ी संख्या में वहाँ से कार्यकर्ता मौजूद हैं उनके, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे उनको आपसी दद्दा कह के बुलाते थे, जैसा कि वहाँ पे लोगों ने संबोधित भी किया कि दद्दा, और दद्दा जो हैं दद्दा के रूप में भी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत मानते थे, क्योंकि उस स्वभाव से अध्यापक भी रहे हैं वो, और अध्यापक होने के नाते वो सबको बच्चों की तरह से देखते थे, उनको निर्देश भी देते थे, उनको सही गलत का ज्ञान भी देते थे। साथ में आप कहा जाए तो इस समय जो है सपा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ सपा को ज़रूर होगी, सपा कार्यकर्ताओं को ज़रूर होगी, कि उनके संरक्षक के रूप में जो मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, आज वो कहीं ना कहीं नहीं है उनके साथ में। फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी एक कार्यकर्ताओं का हजूम इकट्ठा है,
और जब तक उनकी अंतिम विदाई तक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उनकी विदाई के जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ से उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया दर्शनार्थ हेतु और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उनके दर्शन कर रहे हैं जिसमें महिलाएँ भी हैं बच्चे भी हैं। तो ये उनका रुतबा था ये उनका रसूख था कि आज उनको इतना प्रेम दिया जा रहा है। बाकी मैं चाहूँगा और लोगों से भी आप बात करने की कोशिश करिए और लोगों से उनके कुछ किस्से उनके आत्मीय जो उनके अनुभव हैं उसको साझा कर सकें। जी बिल्कुल मनीष जी, आप अगर बात कर रहे थे महिलाओं की तो महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने का महिलाओं को समाज में बराबरी का अगर हिस्सा दिलाने की बात की जाए नेताओं की तो मुलायम सिंह का इसमें एक बड़ा नाम निकल के आ गया क्योंकि अगर देखा जाए तो फूलन देवी को एक राजनीति में लाकर उनके जिंदगी को बेहतर करने वाले नेताजी थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जहाँ कार्यकर्ताओं का जो हुज्म है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ तमाम कार्यकर्ता प्रदेश और साथ ही साथ आस पड़ोस के जो राज्य है वहाँ से आने का जो सिलसिला है वो तेज हो चुका है। साथ ही अगर बात की जाए तो कल यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मेला मैदान में नेताजी की पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होंगे। 3:30 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम ऐसे बड़े गणमान्य सम्मिलित होंगे और कहीं ना कहीं वो नम आंखों से एक कहा जाए तो नेताजी जिनका देश में साथ ही साथ है अगर बात करें तो मीसा एक्ट हो चाहे बात करें तो एक समाजवाद के सच्चे सिपाही को विदाई देने यहाँ आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में आप फूल के गुच्छों को देख रहे होंगे। ये आखिरी विदाई देने अपने नेता को अपने फूल लेकर और आखिरी विदाई देने नेताजी को जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होकर और नेताजी को नम आंखों से बधाई दे उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं जी। मैं यहाँ तमाम लोग हैं उनसे भी बात करने का संवाद साधने का प्रयास करूंगा और नेताजी से जुड़े किस्सों को हम जरूर खोलने का भी काम करेंगे। नेताजी के साथ एक किस्सा भी एक प्रसंग भी है जो जुड़ा हुआ है जो मेरे संज्ञान में आ गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेताजी कहीं किसी मंच में मौजूद थे और वहाँ पर कोई ग्रामीण था कविता पढ़ना पाठ कर रहा था। वो कविता पाठ करने के दौरान उससे माइक छीन लिया किसी दरोगा ने तो नेताजी इतने गुस्से में आ गए थे कि वो मंच पर चढ़ गया उस दरोगा को पटकने ही वाले थे कि आसपास के खड़े शिक्षकों ने उनको रोका और कहा नेताजी धैर्य रखिए थोड़ा सा और उनको अलग किया गया। तो नेताजी इतने ज़मीनी नेता थे कि वो किसानों से पूरी तरीके से जुड़े हुए थे और किसानों की समस्या को लेकर जब वो रक्षा मंत्री भी रहे थे तब भी उन्हें किसानों की समस्या लेकर वो बहुत ही मतलब आत्मीय उनसे किसानों से जुड़े हुए थे। रक्षा मंत्री होने के दौरान उन्होंने जो हमारे शहीद हो जाते थे उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव तक जा सके उनके गृह जनपद तक पहुंच सके इसके लिए भी उन्होंने आदेश दिया था और मुख्यमंत्री कार्यकाल में होते रहते हुए उन्होंने किसानों की बहुत सी कर्ज माफ़ी भी करी और किसानों को हर तरह से उन्होंने समर्थन दिया। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि महिलाएँ भी आपके पीछे खड़ी हुई हैं उनसे भी थोड़ा सा चर्चा करिए। बिल्कुल मनीष जी, जी बिल्कुल, यहाँ तमाम महिलाएं भी हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो नेताजी महिलाओं को समाज के अंदर में एक बेहतर स्थान दिलाने का साथ ही साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाने का भी काम किया करते थे। सबसे पहले मैम अपना नाम बता दें, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम किरण यादव, मैं बवेरू विधानसभा से आई हूँ बांदा। अगर बात की जाए तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में मुलायम सिंह का एक बड़ा नाम रहा है। नेताजी हमेशा से महिलाओं को एक समाज के अंदर में बेहतर स्थान दिलाने का काम करते थे और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर भी वो हमेशा उसको बढ़ावा देते थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नेताजी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और नेताजी की सोच थी कि महिलाएं आ गए हैं, उन्होंने 30% आरक्षण की लड़ाई महिलाओं के लिए लड़ी और नेताजी ने हमेशा महिलाओं के लिए चाहे वो ब्लॉक की बात हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो महिलाओं नेताजी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। मैम आप क्या कहेंगे? 2006 में मैं डकोर से ब्लॉक प्रमुख थी। उस समय जब हमारे यहाँ बुंदेलखंड से सबसे बड़ा ब्लॉक होता है ये डकोर, मतलब यूपी और एमपी का सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो उस समय जब महिलाएं हमारे यहाँ बहुत पिछड़ी हुई थी तब नेताजी ने मुझे टिकट देकर मेरा सम्मान बढ़ाया था। ये तो मतलब ये प्रूफ करता है कि बहुत सपोर्ट करते थे नेताजी महिलाओं को। तो हम लोग जब भी उनके बर्थडे में जाएं या कभी भी शुभ अवसर कुछ भी होता था हम लोग जाते थे कार्यालय तो हमेशा अपनी सिक्योरिटी को डांट के कहते थे कि नहीं महिलाओं को आने दो, महिलाओं को आगे करो, महिलाएं हैं तो सब कुछ है, महिलाएं हैं तो राजनीति है, महिलाएं हैं तो
तो नेताजी ने अपने माने पर्सनल उसमें भी कार्यालय से लेके हर जगह और राजनीति में सामाजिक स्तर पर भी हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। देखा जाए तो नेताजी के तमाम कार्य आज देश भर में कहीं ना कहीं याद किए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि नेताजी के तमाम ऐसे काम थे जो कोई और नहीं कर सकता है, और ऐसे कई सारे किस्से हैं। कार्यकर्ताओं को वो हमेशा दुलारते और पुचकारते रहते थे, और सैकड़ों की संख्या में से कार्यकर्ताओं को नाम लेके बुलाते थे, नाम लेके बुलाया करते थे। नेताजी हमेशा भीड़ में से अपने कार्यकर्ताओं को नाम लेके बुलाया करते थे। हम लोग बहुत पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, जब समाजवादी पार्टी की नींव 35 साल से 30 साल से तो हमारा परिवार हमेशा समाजवादी पार्टी की ही राजनीति की तभी से जुड़ा हुआ है। तो नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को भीड़ में अगर दूर होता था तो बुला लेते थे, और महिलाएं अगर उनको एक्टिव उस समय लगती थी तो घर बैठकर कार्यालय से फोन जाता था, आइए ये पद संभालिए। मतलब ये करेक्टर था नेताजी का कि अगर कोई एक्टिव है और उन्हें लगता है, और जमीनी लोगों की बहुत वैल्यू करते थे नेताजी। अगर देखा जाए तो तमाम चुनौतियों को आपने झेला होगा जब आपको अध्यक्ष पद पर बैठी होंगी, उस समय नेताजी आपको कुछ राजनीतिक सलाह भी दिया करते थे। राजनीतिक सलाह क्या, वो हमेशा यही किया कहा करते थे कि आप जो पुराना कल्चर है, आप लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं अपने पर्दा प्रथा और उसमें, क्योंकि जो हमारा एरिया है बुंदेलखंड वो बहुत इंटीरियर है, बहुत बैकवर्ड कह सकते हैं। तो माने राजनीति में महिलाएं अगर पद पे हैं भी तो सिर्फ घर बैठे, उनके पति प्रतिनिधि के रूप में काम किया करते थे। तो नेताजी कहा करते थे कि नहीं, महिलाएं पद पे हैं तो महिलाएं काम करेंगी, महिलाएं बोले आप लोग नहीं बोलेंगे, आप हैं बहुत अच्छी बात है, साथ आए हैं, पर महिलाओं को बोलने दीजिए, महिलाओं को अपनी बात कहने दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए, महिलाएं नेताजी का स्वभाव था, मतलब कि महिलाएं ही आगे आके बात करें। वही स्वरूप हम लोग भैया के अंदर देखते हैं, तो भैया में भी नेताजी के ज्यादातर गुण पाए जाते हैं। कहीं भी किसी को भी भीड़ में देख के तुरंत नाम लेके बुला लेते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आपने सुना मनीष जी कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह नेताजी अपने राजनीतिक कैरियर में महिलाओं के उत्थान और महिलाओं की समाज में भागीदारी को हमेशा बढ़ाते रहते थे, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्यकर्ताओं को भीड़ से नाम लेकर बुलाते थे। जी जी विभांशु, मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे सभी लोग शोकाकुल हैं और सभी की आंखें नम हैं। फिलहाल हम आपके पास फिर से लौटेंगे, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।